मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा, अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, कमलनाथ की या फिर से शिवराज की। नमस्कार, आपका सभी का मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जनता ने किया बढ़ चढ़कर मतदान, लगभग 77% मतदान किया और जनता ने लोकतंत्र मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाई। अब देखना यह होगा कि जनता इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहती है, कमलनाथ की सरकार देखना चाहती है या फिर कमल की सरकार देखना चाहती है। आज हम सभी जिलों की विस्तार से जानेंगे कि आपको किस जिले में कितनी सीटें किसे मिलने का अनुमान है। वीडियो के आखिरी तक सब पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, कमलनाथ की या फिर से कमल की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अपना पहला जिला जो कि है ग्वालियर। ग्वालियर में कुल 6 सीटें हैं, तो इन 6 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में परस्पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 6 सीटों में से भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं श्योपुर जिला। श्योपुर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ है, यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त दिखाई है, कांग्रेस को कुल 2 सीटें मिलने का अनुमान प्रतीत हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इंदौर जिला, यहाँ पर भाजपा कांग्रेस से पीछे दिखाई पड़ती है। भाजपा को 9 में से 3 सीटें, कांग्रेस को 9 में से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद हम देखते हैं मुरैना जिला। मुरैना जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 4 सीटें, वहीं पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि यहाँ पर मुरैना जिले में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं पर भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद दतिया जिले की हम बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भी भाजपा 0-0 सन्नाटा है, कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद हम देखें जबलपुर जिला। जबलपुर जिला में मत जनता ने टक्कर का मुकाबला दे दिया है। जनता ने अपने अपने मत के अनुसार यहाँ पर 8 में से 4 सीटें भाजपा को, वहीं पर कांग्रेस को 8 में से 4 सीटें दी है। इसके बाद हम देखें शिवपुर जिला। शिवपुर जिले में कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 2 भाजपा को, वहीं पर 3 कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। इसके बाद गुना जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ है, यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, वहीं पर भाजपा 0-0 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद सागर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 3 सीटें भाजपा को, वहीं पर 5 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। इसके बाद टीकमगढ़ जिले की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भी मुकाबला एकदम आर पार का है, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को दो सीटें का मिलने का अनुमान है। इसके बाद छतरपुर जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें भाजपा को, 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें भिंड जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें भाजपा को, वहीं पर 3 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है। इसी के साथ हम बात करें दमोह जिले की, तो यहाँ पर 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा को और 2 सीटें कांग्रेस को, यानी कि यहाँ पर भी मुकाबला टक्कर का होने का अनुमान है। अब चलिए हम देखते हैं पन्ना जिले में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भाजपा को और 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। इसके बाद भोपाल जिला, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर 3 सीटें भाजपा को, वहीं पर 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। इसके बाद हम सतना जिले की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने अपनी बढ़त दिखाई है, यहाँ पर भाजपा को 5 सीटें, वहीं पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इसके बाद रीवा जिले में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें भी भाजपा को बढ़त दिखाई दे रही है, भाजपा को 6 सीट, वहीं पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद सिंगरौली जिले में 3 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान है।
इसके बाद अनूपपुर जिले में 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2 सीट, वहीं पर कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद सीधी जिले में कुल 4 सीट है जिसमें से भाजपा और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीट बराबर बराबर मिलने का अनुमान है। इसके बाद उमरी जिले में 2 सीट है जिसमें से भाजपा को 0/0 और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ हम बात करें कटनी जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को बराबर बराबर 2 सीटें मिलने का अनुमान प्रतीत हो रहा है। इसके बाद डिंडोरी जिले में भी कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और भाजपा और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान प्राप्त हो रहा है। इसके बाद मंडला जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2, वहीं पर कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद बालाघाट जिले में महाकोशल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भाजपा को 2, वहीं पर कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करें सिवनी जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 0-0 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि यहाँ पर भी भाजपा का सुप्रताप है। इसके बाद हम बात करें नरसिंहपुर जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 1 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने वाली है। अब छिंदवाड़ा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और कमलनाथ कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ तो माना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी टक्कर का मुकाबला दिखाई दे रहा है। भाजपा को यहाँ पर 7 में से 3, वहीं पर कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी का पूर्णतः पत्थर था, कांग्रेस को 7 में से 7 विधानसभा सीट देखने को मिली थी, तो इस बार टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करें बैतूल सीट की, यहाँ पर 5 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा को 3, वहीं पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद हरदा जिले में 2 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को सुप्रताप और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इसके बाद होशंगाबाद जिले में कुल 4 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद रायसेन जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भी टक्कर का मुकाबला है, भाजपा को 2 और कांग्रेस को 2, दोनों को बराबर बराबर सीटें मिल सकती है। इसके बाद विदिशा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद राजगढ़ जिले में भी कुल 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद शाजापुर में कुल 3 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। इसके बाद देवास जिले की हम बात करें तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भाजपा आगे दिखाई दे रही है, यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें, वहीं पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इसके बाद खंडवा जिले में भी मुकाबला टक्कर का है, यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें मिल सकती है। इसके बाद बुरहानपुर जिले में भी भाजपा का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस को 2 में से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर खरगोन जिलों में 6 सीटों में से भाजपा को 4, वहीं पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बड़वानी जिले की हम बात करें, यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें मिल सकती है। इसके बाद अलीराजपुर जिले में 2 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस को दोनों में से 2 सीट मिल सकती है, भाजपा का सुपड़ा साफ है। धार जिले में 7 सीटें हैं जिसमें से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती है। इसके बाद रतलाम जिले में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, यहां पर भाजपा को सुपड़ा साफ, वहीं पर कांग्रेस को 5 की 5 विधानसभा सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके बाद मंदसौर जिले में हम बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें भाजपा को 1 और कांग्रेस को 3 विधानसभा सीटें दिखाई दे रही है, तो यहां पर साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस ने अपनी बढ़त बढ़ाए रखी है। इसके बाद नीमच जिले में 3 सीट है जिसमें से भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिलने वाली है। इसके बाद हम देखेंगे अगर मालवा की बात करें तो यहां पर 2 सीटों में से दोनों को 1-1 सीट मिल सकती है, भाजपा और कांग्रेस को। इसके बाद अशोकनगर जिले में 3 विधानसभा सीटें जिसमें भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1, लेकिन हम बात करें तो यहां पर 2 सीटों में से भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है डिंडोरी जिले में।
इसके बाद सेटो जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। इसके बाद निवाड़ी जिले की हम बात करें तो यहाँ पर 1 ही विधानसभा सीट है और 1 सीट भाजपा को जा रही है। इसके बाद तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी जिलों का संपूर्ण में जान लिया है, विस्तार एनालिसिस कर लिया है कि एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें जा रही है, भाजपा को कितनी सीटें जा रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें जा रही है। तो सभी जिलों का यदि हम प्रॉपर एक टोटल एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आता है मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा की सीटें हैं 230 सीटें। और आपको मैं बताता चलूँ कि किसी भी सरकार को यहाँ पर पावर में आने के लिए बहुमत चाहिए होता है और बहुमत मिलेगा 116 सीट लाने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते भाजपा को 95 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि भाजपा तो बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बहुत दूर है। वहीं पर कांग्रेस को 135 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार अपना परचम लहराने जा रही है, अपना सिस्टम बनाने जा रही है। तो ये था आपका आज का एग्जिट पोल। आप भी अपनी राय बताइए कि आपके अनुसार किसकी सरकार बननी चाहिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।